तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आ गए हम स्नेकड़ी के शिकार के। तो दोस्तों आजकल स्नेकड़ी लग रही है, वही ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। वो लगो नहीं रही, लग रही बाइट में, क्योंकि अब जब तक ठंडियाँ शुरू नहीं होगी तब तक नहीं लगी। टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा आके मरल पर खेलिए। और हाँ, जब निकल आएगी स्नेक ओल्लागो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अब आप ओल्लागो का शिकार कर सकते हो। फिलहाल तो स्नेकर पे ही खेलिए, मरल पे, वही अच्छा रहेगा। और हाँ दोस्तों, जो ज़्यादा जो अपना सॉफ्ट फ्रॉग होता है वो खाती नहीं मरल आजकल, तीन चार देख लीजिए। ओके, ये चारा है अपना स्पिनर बेट भी, ये यूज़ कीजिए। इसमें लगेगी आपकी ज़्यादातर, आप 8-9 बजे के लिए वो अच्छा रहेगा, 8-9-10-11 तक। सुबह में इतनी जल्दी नहीं, जब तक ये दिन ना निकले, इस पर दिन की रोशनी ना गिरे तब तक अच्छा नहीं शिकार होता। फिर बाद में लग गई अपनी, ट्राई करता हूँ मैं यहीं से भी, बने रहे वीडियो में। और नए है तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को दोस्तों, और लाइक करता हूँ इस वीडियो को। देखते हैं ऐसे में, ओके। गहराई में है कल को, ओके छावा निकला है सड़ी से। ओके दोस्तों, आज भी शानदार शिकार हुआ दोस्तों, अच्छी साइज की लग गई अपनी, किलो के पार जाएगी शायद, 1 किलो 200-300 ग्राम दी, 200-300 ग्राम। और ये देखा दोस्तों चारा, मैंने बोला इस टाइम पर आपको यही चारा काम आएगा दोस्तों, याद रखना। ऐसे मैंने निकला, वो नीचे से रोड से उठा गए, ऐसा ना हो सके मछली ना निकले तो ही निकलना, और ना ये लिप ग्रिप का इस्तेमाल करना, क्योंकि मेरे से बहुत बर्मिश हुई है दोस्तों, ऐसे उठाने में बहुत बर्मिश हुई, इसलिए बोल रहा हूँ हमेशा ये लिप ग्रिप पर रखे अपने साथ,
अगर ज़्यादा गहराई है तभी उतरे, तभी खींचे इस रोड से, वरना क्लिप ग्रिप का इस्तेमाल जरूर कीजिए। पानी के बाहर ऐसे ना खींचे। बड़ी स्नेक थी दोस्तों, इसकी जितनी बड़ी थी। लगता है हुक चेंज करनी पड़ेगी अपनी। पत्थरों में अटक अटक के डैमेज हो चुकी है। तो दूसरा शिकार अपना स्नेकर, स्नेकर बेचारा